कहते हैं कि जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कहते हैं कि जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ नेकियां कर ले ऐ मुसाफिर, कुछ नेकियां कर ले ऐ मुसाफिर, किसी के घर यूं खाली हाथ नहीं जाया करते हैं, किसी के घर यूं खाली हाथ नहीं जाया करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव, और जैसा कि आप सबको पता है कि हर सप्ताह मैं आप सबके लिए लेकर आती हूं एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस बार भी लाई हूं आप सबके लिए एक और कहानी, और आज की कहानी का नाम है भगवान कुछ खाते हैं या नहीं। एक बार की बात है, एक बार एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। वो पंडित जी भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे, और वो क्या करते थे कि उनके घर में कुछ मीठा बना हो या बाहर से कहीं से भी मीठा आया हो, सबसे पहले ईश्वर को भोग लगाया करते थे। किसी को भी सबसे पहले किसी भी तरह से खाने नहीं देते थे। इस बात से उनकी पत्नी बहुत ही ज्यादा परेशान थी, उनको इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था। एक दिन पंडित जी के कहने पर उनकी पत्नी ने भगवान के भोग के लिए कुछ लड्डू बनाए, और लड्डू देखने में इतने स्वादिष्ट थे कि उनका मन ललचाया और उन्होंने एक लड्डू खाने की कोशिश की। इतनी ही देर में पंडित जी का रसोई में पहुंचना हुआ, और पंडित जी ने अपनी पत्नी को बहुत ही भला बुरा सुनाया। पत्नी भी गुस्से में हमेशा इसी बात को लेकर रहती थी, उनको मौका मिल चुका था। उन्होंने भी पंडित जी को वापिस सुनाया और ये कहा कि आज मैं देखती हूँ कि आपके भगवान कितना खाते हैं और कब खाते हैं। आप जाइए और भोग लगा कर आइए, और मैं देखती हूँ कि उन्होंने कब खाया। सिर्फ पंडित जी ये बात सुनी, लड़ाई भी हो चुकी थी, मन खराब हो चुका था, अपना थाली में भोग उठाया और उसके बाद वो मंदिर चले गए, और मंदिर में उन्होंने चरणों में लड्डू रख दिए और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, मैं हर रोज आपको भोग चढ़ाता हूँ, इतने सालों से भक्ति करता आया हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी अलग मेरी स्थिति है, आप स्थिति को समझे, आज मेरी इज्जत का सवाल है, आप आए और मेरा ये भोग ग्रहण करें, नहीं तो आपको पता है कि मेरी पत्नी मुझे ताने दे देकर मार डालेगी। इसके बाद थोड़ी सी देर बीत चुकी थी, वहां पर कुछ मक्खियां आई, और पंडित जी पहले से परेशान होकर आए थे। जैसे ही मक्खियां बिन 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 करने लगी, पंडित जी ने उनको उड़ा दिया। कुछ देर और बीती कि वहां पर एक लाइन चींटियों की दिखाई देने लगी, पंडित जी ने उनको भी भगा दिया। कुछ देर के बाद कुछ कुत्तों की आवाज बाहर से आने लगी, मंदिर के आसपास ही कुत्ते आ गए थे, तो इस तरह से पंडित ने उनकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया। कुछ देर के बाद वहां पर जब जैसे ही शाम हुई, तो मंदिर के बाहर कुछ लोग भी आकर बैठ गए थे, और वहां पर कुछ ऐसे भोजन करने वाले लोग भी बैठे थे। उसके बाद उनमें से एक व्यक्ति उठकर आया, और उसको लगा मैं ही ले लेता हूं, और वो खुद से उस थाली में से उठाने लगा। पंडित जी को बहुत गुस्सा पहले ही आया हुआ था, उन्होंने उस व्यक्ति को जोर से धक्का लगाया और बहुत ही बुरा डांटा, और वो व्यक्ति डर कर घबरा कर वहां से चला गया। इसके बाद धीरे धीरे शाम से रात हो चली थी, लेकिन पंडित जी का भोग खाने के लिए ईश्वर उनको आते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। पंडित जी परेशान हो गए, थाली लेकर चलने लगे। सीढ़ियों से उतरते उतरते उनको ख्याल आया कि इस अवस्था में अगर मैं घर गया तो पत्नी तो बहुत ही बुरी हालत मेरी करने वाली है। उन्होंने क्या किया, सीढ़ियों से नीचे उतरते ही सारे लड्डू वहां पर गिरा दिए और घर अपने वो आ गए। जैसे ही घर में पहुंचे, पत्नी तो तैयार थी, ना कुछ पूछा, और उन्होंने वहां पर उनको बहुत ही खरी खोटी सुनाई। पंडित जी पहले ही परेशान थे, कुछ नहीं बोले और चुपचाप जाकर सो गए। उसके बाद जैसे ही पंडित जी सोए, कुछ देर के बाद उनको एक सपना आया, और सपने में उनको ईश्वर दिखाई दिए, और वहां पर पंडित जी ईश्वर को शिकायत करने लगे कि आप अगर आज आ जाते तो आपका क्या जाता, मेरी इज्जत रह जाती, मैं इतना बड़ा भक्त था, इतने सालों से आपकी भक्ति कर रहा था, आप आए नहीं, आज मेरा पूरा दिन खराब हो गया, और मेरी बीवी ने मुझे बहुत ही भला बुरा सुनाया है। सिर्फ इतना सुनना था कि भगवान जी जो है वो मुस्कुराने लगे, और उन्होंने कहा कि मैं तो सुबह से ही आ रहा था, बार बार तुमने पहचाना ही नहीं, तुमने मुझे आने ही नहीं दिया, मैं तुम्हारा भोग ग्रहण करने के लिए पहले मक्खी बनकर आया, फिर चींटी बनकर आया, कुत्ते बनकर आया, और उसके बाद में एक व्यक्ति बनकर आया जिसको तुमने जोर से धक्का लगा दिया, और इस तरह से तुमने मुझे भोग खाने ही नहीं दिया, और हाँ तुम्हारा भोग मैंने फिर भी खाया, बस ये था कि थोड़ा सा मजा नहीं आया, लड्डू थे बड़े स्वाद, जो तुम लड्डू नीचे जमीन पर गिरा गए थे मैंने उठाकर उन्हीं को ही खा लिया, थोड़ी सी मिट्टी भी लग गई थी, और सुबह सुबह खाता तो ताजा ताजा लगते और स्वादिष्ट लगते। सिर्फ इतना सुनना था कि पंडित जी की आंख खुल गई, सपना उनका टूट गया, और इसी के साथ आंख खुलते ही सपना टूटते ही एक जो भ्रम उन्होंने अपने चारों तरफ फैला रखा था
वो भी उनका टूट चुका था, उनको समझ आ चुका था कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है, हर व्यक्ति में, जानवर में, पशु पक्षी में, पूरी प्रकृति में ईश्वर है। अब वो पूरी तरह से समझ चुके थे, उनको समझ आ चुका था कि ईश्वर भजन के नहीं भाव के भूखे हैं, ईश्वर भजन के नहीं भाव के भूखे हैं। तो देखा दोस्तों और बच्चों, कहानी भले ही छोटी सी है, लेकिन ये छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि हम सबको भी मिलकर प्यार से रहना चाहिए, हर व्यक्ति में ईश्वर है। इसलिए आप सबके साथ खुशियां बांटते चले, मुस्कुराहट बांटते चले। अंत में केवल दो लाइनों के साथ अपनी कहानी को समाप्त करना चाहूंगी कि मुझमें राम तुम में राम, मुझमें राम तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। आप सब लोग यूं ही खुश रहें, दूसरों में खुशियां बांटते रहें, मुस्कुराहट फैलाते रहें और जितना आपसे हो सके उतनी मदद करते रहिए। सुरक्षित रहिए, मेरे साथ बने रहिए, हर सप्ताह की तरह अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।